हेलो गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आप सबको गुवाहाटी, जी गाइस, गुवाहाटी का रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ गाइस। तो बने रहिए लास्ट तक और देखिए गुवाहाटी में क्या है, गुवाहाटी का फुल स्टोरी मैं आप सबके लिए आज रिएक्शन में लेके आया हूँ गाइस। तो देखिए लास्ट तक। तो चलिए गाइस, वीडियो का टाइटल ये है गुवाहाटी सिटी कैपिटल ऑफ आसाम, आइए करते हैं गुवाहाटी का सैर। तो गाइस, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहां से आप इनको भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। और गाइस, इस वीडियो का फुल्ली क्रेडिट जाता है आपका एक्सप्लोर यर्स का गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं गुवाहाटी सिटी का रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, ये है गुवाहाटी जो कि भारतीय वाह, राज्य असम की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये दो शब्द गोवा और हार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब सुपारी और बाजार होता है, यानी कि सुपारी का बाजार। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी है, इसलिए शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वाह, लगभग 1528 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर बसे गुवाहाटी शहर की जनसंख्या 2020 के हिसाब से 1.1 मिलियन से भी ज्यादा है। गुवाहाटी को दुनिया का सबसे बड़ा चाय का बाजार भी माना जाता है, जिसके बाहरी हिस्से में आपको हरे भरे लहलहाते चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। वहीं गुवाहाटी में IIT होने के नाते इस शहर का नाम एजुकेशनल सेक्टर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में फेमस है। ना सिर्फ अपने एजुकेशनल बल्कि IIT गुवाहाटी अपने कैंपस के लिए भी जाना जाता है, जो कि सच में काफी यूनिक और खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है। गुवाहाटी का ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज है, लेकिन यहाँ पर हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भाषाएं भी खूब बोली जाती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस शहर के सेक्स रेशियो में प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का योगदान है। गुवाहाटी शहर का मुख्य व्यवसाय चाय है। इसके अलावा यहाँ का टूरिज्म, बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं ये शहर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर पोर्ट भी है। इस शहर में आपको सारे रिलीजन्स के लोग खुशी से रहते हुए मिल जाएंगे। जहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 85% सनातन यानी कि हिंदू धर्म, 12% इस्लाम और 3% सिख और बौद्ध और दूसरे रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे। और आइए अब जरा हम गुवाहाटी के महत्वपूर्ण इतिहास पर नजर डालते हैं। तो गुवाहाटी के अस्तित्व से जुड़ी दंत कथाएं पौराणिक युग से जुड़ी हैं। भले इस शहर की उत्पत्ति को प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूत कोई उपलब्ध नहीं है, हालांकि प्राचीन काल में इस नगर को प्राग्ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि तत्कालीन कामरूप की राजधानी थी। वही महाभारत की माने तो एक समय ऐसा भी था जब गुवाहाटी नरकासुर और भगदत्त की राजधानी हुआ करती थी। गुवाहाटी के भीतर नीलांचल पहाड़ियों में देवी कामाख्या का एक प्राचीन शक्ति मंदिर हुआ करता था। ये भव्य और प्राचीन कामाख्या मंदिर आज भी गुवाहाटी के पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ देश और दुनिया से हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो अगर आप भी कभी गुवाहाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस मंदिर को घूमे बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। ये शहर चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा है तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, जिस वजह से यहाँ साल भर मौसम काफी सुहावना रहता है। वहीं यदि हम इस शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यातायात का एक प्रमुख साधन है, जो गुवाहाटी को भारत के कई बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह रेलवे स्टेशन NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर आता है, जिसमें कुल 7 बड़े प्लेटफॉर्म है तथा इसके अलावा गुवाहाटी का अपना खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, जो गुवाहाटी के सिटी सेंटर से तकरीबन 18 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। गुवाहाटी के बाहरी हिस्से से होकर नेशनल हाईवे 17 गुजरता है, जो इसे दार्जिलिंग, गोपालपारा और धुबरी जैसे स्थानों से जोड़ता है। और आइए अब जानते हैं गुवाहाटी के नाइट लाइफ और मुंह में पानी ला देने वाले यहाँ के कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में। तो यदि आप भी कभी गुवाहाटी घूमने आते हैं तो आप यहाँ पर मासूर टेंगा, जाक आलू भाजी, आलू पिटिका, डक या बतख का मीट और यहाँ के पीठा जैसे व्यंजनों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। वहीं गुवाहाटी शहर अपने रंगीन नाइट लाइफ के लिए भी खासा फेमस है। यहाँ पर बड़े बड़े नाइट क्लब और पब्स बार मौजूद है, जहाँ पर आप रात्रि का मजा ले सकते हैं तथा घूमने फिरने की जगहों में आप यहाँ कामाख्या देवी टेम्पल, उमानंद मंदिर, एक्वालैंड, गुवाहाटी का चिड़ियाघर, आसाम स्टेट म्यूजियम, गुवाहाटी तारामंडल और यहाँ के ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका की सवारी कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, तो गुवाहाटी का ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी कमेंट कीजिएगा गाइस। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, गुवाहाटी के बारे में जो बताया गाइस, बहुत ही अच्छा सुंदर सिटी है। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा एक घूमने का जगह है। तो गाइस, जल्दी से आइए, विजिट करिए गुवाहाटी को और घूमिए इस शहर को गाइस। और क्या चाय बगान था गाइस, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा जगह है।
तो गाइस अगर आप प्लान बना रहे हैं गुवाहाटी घूमने का तो जरूर आइए, विजिट करिए यहाँ पे। और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रिएक्शन वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।